अरे मैडम, ऊपर वाले का करिश्मा देख रहे हैं हम लोग। फिल्मों में डबल रोल तो बहुत देखा है, मगर रियल लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। क्या मतलब? मैडम देखिए, आपकी हमशक्ल जो एक साल पहले टपक गई थी, यानी कि मर गई थी मैडम। ये तो मेरी तस्वीर है। अरे नाम भी मेरा है। पता नहीं किस इडियट ने ये खबर छपवाई है। जिसने आपको श्रद्धांजलि अर्पित की है मैडम, उसका नाम और पता भी है इसमें। ये झाड़ू मारा क्या कर रहा है तू? चल चल उधर जा, चल। एक घंटे से देख रहा हूँ तू इधर ही खड़ा है। चल उधर जा, कमरा साफ कर। चल चल उधर जा। ये पानी डाल रहा है कि नहा रहा है? पानी का बिल तो मुझे भरना पड़ता है। ये पीके मस्त कौन है? पीके मस्त तो मैं हूँ। तू पीके मस्त है? पीके मस्त मैं हूँ, लेकिन मैं पी नहीं है। तू तो मर चुकी थी। तुम्हारी शमशान यात्रा में मैंने तुमको खुद कंधा दिया आरती को। तुम भूत हो। बकवास बंद करो, मैं भूत नहीं, जीती जागती लड़की हूँ। मैं कैसे विश्वास करूँ? चमक में छूके देख सकता हूँ। दूर हटो। और ये बताओ कि तुमने मेरी फोटो के साथ मेरी बर्फी की न्यूज क्यों छपवाई? ये तो चमत्कार हो गया। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि इस दुनिया में एक ही शक्ल के सात आदमी होते हैं। तुम मेरी पूजा की हम शक्ल हो। अगर मैं अपने बेटे को बताऊंगा तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। लगता है तुमने सुबह सुबह ज्यादा पी रखी है। पूजा तो मैं हूँ, तुम किस पूजा के बारे में बात कर रहे हो? मेरे बेटे की प्रेमिका, जो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें और उसमें जरा भी फर्क नहीं है। एक साल पहले उस बेचारी का देहांत हो गया, आज उसकी पहली बरसी है। उसकी बरसी पे उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैंने फोटो छपवाई। लेकिन बेटी, तुम्हें इस फोटो से जरा भी तकलीफ पहुंची होगी तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम श्रद्धांजलि अर्पित करनी हो तो फोटो के बगैर करना, समझे? ओफो। हाय डैडी। ये क्या बेटी, मैं सुबह से परेशान हूँ, तुम्हारी फोटो किस गधे ने छपवाई है? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं,
मैंने इसके बारे में मालूम किया है। क्या? ये तो मेरी हमशक्ल है। आओ लड़कियों, आओ जल्दी आओ, इसे अपने ही घर समझो, टेबल पर सजाओ, बनारस साड़ियां, कलकत्ते की साड़ियां, कांजीवरम की साड़ियां, इन्हें यहाँ रखो, शान से रखो, इन्हें मेरी बहू पहनेगी। हे, कौन हो तुम? मैं पीके मस्त, अपनी मस्ती में कहीं भी घुस पड़ता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं यहाँ क्यों आया? अपने औकात में रहो, मैं नौकर से बात नहीं करता। क्या मुझे नौकर कहा? यार मैं नौकर को नौकर नहीं कहूँ तो मालिक हूँ। वैसे तुम नौकर कम जोकर ज्यादा लगते हो। मैं पूजा का बाप हूँ। पूजा के बाप हो? यानी मेरी होने वाली बहू के बाप? यानी मेरे समधी? अरे नाइस टू मीट यू पूजा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बेटी, मेरे बेटे को दरअसल मॉडर्न ड्रेसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने तुम्हारे लिए इतनी सारी साड़ियाँ भेजी है, इनमें से जो भी पसंद हो प्लीज पहन लेना। लगता है तुम बाप बेटे पागल हो। तुम्हारा बेटा कौन होता है मुझे साड़ियाँ भेजने वाला? मेरे जी में जो आएगा मैं पहनूंगी, मैं स्विमिंग ड्रेस पहनूंगी। अगर उसे देखना है तो कल स्विमिंग पूल पर भेज दो। अरे क्या चाल है यार, लड़की तो अंगार है बाप। ए, क्या बात है यार, एक लड़की को इस तरह सताते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे इसको तो गुस्सा भी आता है यार। अगर आप ठीक वक्त पर नहीं आते तो ये भेड़िए मुझे नोच कर खा जाते। आपने मेरी इज्जत बचाई, इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। हमारा शुक्र करने के बजाय अगर आप अपनी गलती सुधार लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मेरी गलती? मैंने क्या गलती की है? आप अपने आप को देखिए, एक जवान लड़की को नंगे बदन में देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। ये तो मवाली थे, उन्होंने आपकी इज्जत पर जो हमला किया है उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं, इसलिए वो साड़ियां आपके घर भेजी थी ताकि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे और आप ये रियलाइज करें कि वेस्टर्न ड्रेस हिंदुस्तानी लड़कियों को शोभा नहीं देता। वो साड़ियां आपने भेजी थी? जी हाँ, और वो साड़ियां भेजने की भी एक वजह है। इफ यू डोंट माइंड, आप मेरे साथ घर चलिए, आपको दिखाता हूं। शायद ये तस्वीरें देखकर आप चौंक गए। घबराइए नहीं, ये आपकी तस्वीरें नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड की है। उसका नाम भी पूजा था और वो आपकी हमशक्ल थी, आपकी तरह वो भी अल्ट्रा मॉडर्न थी। उसे भी मॉडर्न ड्रेस पहनने का बहुत शौक था और यही मॉडर्न ड्रेस
एक दिन उसकी मौत का कारण बन गया। एक दिन जब वो डिस्को से घर वापस लौट रही थी तो कुछ गुंडों ने उसे किडनैप करके अचानक ले गए। उन लोगों ने उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या भी कर दी। I'm sorry. मैं पूजा से बहुत प्यार करता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी मेरे साथ है, बिल्कुल मेरे पास है। शायद इसलिए कि मैं अब भी उससे बहुत प्यार करता हूं। आज भी वो मेरे लिए एक पूजा है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपना लाइफस्टाइल बदल दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो हादसा मेरी पूजा के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। इफ यू डोंट माइंड पूजा जी, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, आप रख लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। पूजा इस तरह मेरे दिल और दिमाग में बसी हुई है कि मैं आंखें बंद करके भी उसकी तस्वीर बना सकता हूं। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। बोलो पूजा, आप किस लिए फोन किया? जी मुझे एक खास बात कहनी है। ऐसी कौन सी खास बात है? वो बात ये है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शायद तुम चौंक गए ना, मगर ये सच है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू बैरा। तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? मेरा दिल ही जानता है पूजा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। I'm not afraid.
के कमर पे तेरी चाल शराबी हटके, नए नशीले गाल गुलाबी क्या नखरे नट खटके, ओए देख के तेरा रूप सुहाना दिल को लग गए झटके, देखो उड़ गई चुनरी बल्ले बल्ले तेरी उड़ गई चुनरी बल्ले बल्ले देखो उड़ गई चुनरी बल्ले बल्ले बेचारा उड़ गई चुनरी बल्ले बल्ले। डैडी ये सब क्या है? बेटी आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। व्हाट? चौंक गई ना? दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए तुम्हें बताए बिना संजय के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है डैडी। एक्सक्यूज मी, हम लोग चलते हैं। सर सर प्लीज। पूजा तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो जो अपना जीवन साथी खुद चुन लो। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके साथ शादी करने का मैं फैसला भी कर चुकी हूँ। भैरव नमस्ते। देखो पूजा, मैंने तुम्हारी आजादी पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसका मतलब ये नहीं तुम हमारी बेइज्जती करो। किसी के साथ प्यार करना कोई जुर्म नहीं है डैडी। हमारे खानदान में आज तक किसी लड़की ने खुद लड़का नहीं चुना, और फिर एक सड़क छाप आदमी पर तुमने कैसे भरोसा कर लिया? हो सकता है कि दौलत की लालच में इसने तुमसे प्यार किया हो। प्लीज हमारे प्यार को गाली मत दीजिएगा डैडी। प्यार गरीबी अमीरी नहीं देखता। प्यार क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं था। प्यार का मतलब मैंने भैरव से सीख लिया है। अगर मेरा प्यार आपको स्वीकार नहीं है तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। चलो भैरव। एक बार तुम ठंडे दिमाग से सोच लो पूजा, तुम चाहो तो अपने माँ बाप की खुशी के लिए मुझे छोड़ सकती हो। मेरा दिल तो पहले से टूट चुका है, ये जख्म भी मैं हंसकर सह लूंगा। ऐसी बात मत करो भैरव, तुम्हारे लिए मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ, ये घर क्या चीज है। चलो हेलो, मैं कैलाशनाथ बोल रहा हूँ। भैरव नाम का एक आदमी मेरी बेटी को घर से भगाकर लेकर जा रहा है, उसे खत्म कर दो। तुमने होटल में कमरा क्यों लिया? तुमसे शादी करने के लिए। इस तरह तुम्हें घर ले गया तो पिताजी समझेंगे तुम्हें भगा कर ले आया, इसलिए पहले शादी करूंगा फिर घर ले जाऊंगा। जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें पाकर ऐसा लगा कि जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। अभी दूर रहो पूजा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें दिल से अपना पति मान चुकी हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊं, सिंदूर से तुम्हारी मांग सजाऊं, उसके बाद अपनी बाहों में भरकर तुम्हें प्यार करूं। तुम कितने अच्छे हो भैरव। Now you go and take bath। तब तक मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा और कुछ जेवर लेकर आता हूँ। ओके। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? तुम अकेली हो, कोई ग्राहक नहीं आया अभी तक। What do you mean इंस्पेक्टर साहब? आप मुझे क्या समझकर बात कर रहे हैं? Shut up! मैं जानता हूँ तुम एक कॉल गर्ल हो। Look इंस्पेक्टर, you are absolutely under wrong impression। मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ और यहाँ अपने होने वाले पति के साथ ठहरी हुई हूँ। आज शाम हम दोनों शादी करने वाले हैं। वो हमारी शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए गए हैं। होटल के कमरे में शादी नहीं होती, सौदा होता है। वैसे ये आप कब से कर रही हैं? एक इज्जतदार लड़की से ऐसी बात करती हूँ शर्म नहीं आती आपको? इज्जतदार का नाटक बंद करो, चलो कपड़े पहन लो, नहीं तो ऐसे ही पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा।
इंस्पेक्टर साहब रिसेप्शन पर पूछ लीजिए, मैं अकेले नहीं आई हूँ। ये इसके साथ रूम में कोई और ठहरा हुआ है? एक मिनट सर, देखता हूँ। रूम तो पूजा वर्मा के नाम पे, लगता है इस धंधे में नई नई आई है, वरना रूम अपने नाम से बुक नहीं करवाती। मेरा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, वो शॉपिंग करने गए हैं, प्लीज उनके आने तक रुक जाइए। डोंट वेस्ट माय टाइम, चलो। इंस्पेक्टर साहब वो आ गए हैं। भैरव अच्छा हुआ तुम आ गए, इनका शक है कि मैं कॉल गर्ल हूँ। बताओ हम किस लिए आए हैं यहाँ? शादी का जोड़ा और जेवर जो तुम मेरे लिए लाने गए थे ना, दिखाओ इनको। इंस्पेक्टर साहब ये लड़की पागल है क्या? ये क्या मजाक कर रहे हो भैरव? इंस्पेक्टर ने मुझे कॉल गर्ल समझकर गिरफ्तार किया है, बी सीरियस और इन्हें बताओ कि सच्चाई क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम भैरव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। इंस्पेक्टर साहब इस लड़की के साथ मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, अपने प्यार के जाल में फंसा कर यही मुझे यहाँ लाया था, अब पता नहीं क्यों मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। शट अप। तो आप इस लड़की के साथ रूम नंबर 205 में नहीं ठहरे हुए थे? नहीं साहब, मैं तो रूम नंबर 204 में ठहरा हुआ हूँ, मैं तो इसे जानता तक नहीं। लेकिन हाँ, मैं इस लड़की को इसी होटल में नए नए आदमी के साथ आते हुए देखा है और सुना है कि इस इलाके की सबसे महंगी वेश्या है। यू रास्कल, व्हाई आर यू लाइंग? चलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सेठ जी, ये आपके बंगले का भाड़ा, रस्ते में गिनते हुए चले जाना। ए भाई, तेरे सोफे कुर्सी का भाड़ा, अभी कारपेट का कितना हुआ जल्दी बोल। 2000। ए, फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं मंगवाया था जो हम लोग का काट रहा है? 1500 में मानता है तो बोल, 300 कमती करता हूँ। ला दे भाई, ला दे। चल। ए भाई जल्दी कोट उतार, मुझे शाहरुख खान की शूटिंग में जाना है। अबे ए पाव किलो, शाहरुख खान की शूटिंग का इस सड़े हुए कोट से क्या मतलब है? हाँ ये शाहरुख खान का कोट है। शाहरुख खान का कोट है? ये पैंट सलमान खान की। ये टाई आमिर खान। अबे शाने, अभी तो तू मेरे को लल्लू समझ के बोलेगा, ये जूते भी गोविंदा के? अरे आपको कैसे मालूम पड़ा? ये सब असली है? नहीं ये सब नकली है, डुप्लीकेट्स के। डुप्लीकेट? मैं भी तो डुप्लीकेट हूँ। ये भैरों ने मुझे मैकेनिक से बाप क्यों बनाया? ये बंगला क्यों भाड़े पे लिया? पूजा को क्यों पटाया? और अगर पूजा को पटाया तो उसको अरेस्ट क्यों करवाया? लगता है कहानी में कोई ट्विस्ट है, यानी कि गड़बड़। देखते हैं। Yes, madam. What can I do for you? कोई लेटेस्ट डिजाइन का नेकलेस दिखाइए। बैठिए। देखिए मैडम, ये सब लेटेस्ट डिजाइन के हैं। आहा, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। प्राइस क्या है? 2 लाख से लेकर 7 लाख तक। अच्छा, 7 लाख का कौन सा है? ये। दिस इज वंडरफुल। इसे पैक कर दीजिए। ओके। सॉरी मैडम, हम लोग चेक नहीं लेते। What nonsense are you talking? 7 लाख रुपए कोई साथ में लेकर घूमता है क्या? मैं बैरल चेक दे रही हूँ, आप किसी आदमी को बैंक भेजकर कैश करा लीजिए। सॉरी मैडम, हमारी बिजनेस पॉलिसी है कि हम लोग चेक नहीं लेते। ठीक है, फिर आप अपने किसी आदमी को हमारे साथ भेज दीजिए, हम अपने हस्बैंड से कहकर कैश पेमेंट करा देंगे। मैं अपना कैशियर आपके साथ भेज देता हूँ। ओके? ओके। कल्पना जी, जरा कैशियर को भेजना। कैशियर तो बैंक गए हैं। बैंक गया जी? ठीक है, तो मैं अपना वॉचमैन आपके साथ भेज देता हूँ, वो काफी भरोसे का आदमी है। ठीक है। वॉचमैन। यस सर। मैडम के साथ जाओ और हार देके 7 लाख रुपए लेकर आओ। जी सर। बाय। थैंक यू। चलिए आइए। आप ये पागल खाने क्यों आई हैं मैम साहब? मेरे पति यहीं रहते हैं। आपके पति यहाँ हैं? बड़े दुख की बात है, आप कितनी सुंदर हैं, जवान हैं, और आपके पति पागल हैं? अरे नहीं नहीं, मेरे पति पागल नहीं हैं,
वो तो पागलों के डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा, तुम दो मिनट रुको। हाँ। मैं अभी वापस आती हूँ। जी जी। ए सुनो, नेकलेस अंदर है, संभाल के रहना। हाँ 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 जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। आप डॉक्टर साहब हैं? मैं शक्ल से कुछ और लगता हूँ क्या? दरअसल पागलों का इलाज करते करते मैं खुद आधा पागल हो गया हूँ, मगर आप तो बिल्कुल ठीक हैं। फिर यहाँ क्यों आई? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पति को प्रॉब्लम है। फिर आप उनको साथ लेकर क्यों नहीं आई? उनके खानदान की हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। उसकी माँ पागल थी तो उसकी बेटी पागल होगी, अगर पिता पागल था तो आपका बेटा पागल होगा, अगर माँ बाप दोनों पागल थे तो आपका पूरा खानदान पागल होगा। नहीं सर, उनके खानदान में कोई पागल नहीं है। पता नहीं मेरे पति को कैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। जरा खुलकर बताइए, जब उन पर पागलपन का दौरा पड़ता है तो वो क्या क्या हरकतें करते हैं? क्या बताऊं सर, कभी कभी मेरी साड़ी पहनकर गाना गाने लगते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? इंटरेस्टिंग। और सर कभी कभी तो पुलिस की वर्दी पहनकर घर के नौकर को चोर समझकर पीटने लगते हैं। और क्या बताऊं सर, कभी कभी वकील बनकर घर को ही अदालत बना देते हैं, और आज तो वो वॉचमैन बनकर मुझसे 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ सर। डोंट वरी, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर का केस है, इसमें दौरा पड़ता है तो आदमी अपने आप को भूल जाता है। सर चलकर पेशेंट को देख लीजिए। मैं पेशेंट को देखूं? किसी डॉक्टर को बुला लीजिए। आप ही तो डॉक्टर हैं। बारिश किधर है? क्या देख रहे हो? बारिश आ रही है। मेम साहब मेरा 7 लाख रुपए दीजिए, मुझे जाना है। आप कौन है? वॉचमैन। आपकी पगार कितनी है? 1500। तो आप 7 लाख क्यों मांग रहे हो? मैं पगार नहीं पूछ रहा हूँ, सेठ का पैसा लेने आया हूँ। केस बहुत बिगड़ा हुआ लगता है। वार्ड बॉय, इसको अंदर ले चलो। मुझे क्यों पकड़ा है? ए, छोड़ो। अरे इसको काबू में करने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे लगाओ, जल्दी। इंजेक्शन नहीं, अरे क्या मेम साहब, तो बताइए ना, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ो। यार भैरव, देखिए शक मेरे पर कमाल की लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है, ऐसे लग रही है कि हैंगर पर लटकी हुई है। मैं तेरा दोस्त हूँ यार, तू हैंगर पर मेरे को गाली दे रहा है? तू दोस्त है इसलिए मजाक कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बता, मैंने तुझे तो पगार दी नहीं, फिर तू ये शर्ट ला कहाँ से? भैरव अपने नाके को नुक्कड़ पे ने एक रेडीमेड कपड़े की दुकान खोली है, उसके मालिक को मैंने बोला मैं भैरव गैरेज का मैनेजर हूँ, थोड़ी सी जुलझाल की और ये शर्ट लाया। आते टाइम मैं उसको क्या बोला, आपकी गाड़ी कभी भी खराब होगी ना तो हमारे गैरेज में आना, एनी टाइम सर्विस एट द कॉस्ट ऑफ भैरव यानी पॉकेट। देख पिगे, अगर तुझे मेरे गैरेज में काम करना है ना तो ये सब जुलझाल बंद करना पड़ेगा। जिस दिन पगार मिले इस शर्ट का पैसा दे आना। इसे खोलो नीचे से। क्या जरूरत थी बोलेगी शर्ट कहाँ से आया, कितने पैसे का आया? और नीचे और। लेकिन मैं पी के मस्त हूँ ना, मेरे पेट में कोई बात रहती नहीं। ए, अपनी बकवास बंद कर अभी। एम्बेसडर कार का क्रैंक केस ले आना, ये ले 2000 रुपए और जल्दी से ले आना। ये बॉस अभी गया, अभी आया। नीचे नीचे और नीचे। मेरे जेब में पैसा है और मौसम है रोमानी, बस स्टॉप पे ब्यूटी क्वीन लगती है हिंदुस्तानी। फिर भी ए मिस्टर, क्या पूरा गाना गाओगे? मैडम आप चांस देंगी तो पूरा भी गाऊंगा। ये बस स्टैंड है, चुपचाप खड़े रहिए। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके पास माचिस होगी? तुम आदमी हो या घटचक्कर? क्या मैं तुम्हें सिगरेट पीने वाली चालू लड़की दिखती हूँ? अरे मैडम आप खामखा नाराज हो गई। देखिए सिगरेट पीना आजकल फैशन में दाखिल हो गया, अक्सर लड़कियों को मैंने सिगरेट पीते हुए देखा। अब आप सोचिए कल को आपकी शादी हो जाएगी, आप दुल्हन बनकर डोली में अपने ससुराल जाएंगी, भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाने के लिए माचिस इस्तेमाल तो करेंगी, तो मैंने सोचा शायद आपने एडवांस बुकिंग में ही माचिस रखी होगी। नहीं नहीं माचिस। वाह क्या सोच है, एक बात बोलूं? बोलिए। ये तो आप जानते ही हैं कि आप एक दिन मरने वाले हैं। मैं क्या, एक दिन तो सभी को मरना। तो क्या आप अभी से ही अपनी अर्थी का सामान खरीद कर रखना पसंद करेंगे? मस्त, ये सुबह सुबह किसके मुंह लग गया यार, लड़की है कि बिजली करंट मारती है। आज सुबह जरूर किसी मनहूस की सूरत देखी होगी, अभी तक एक बकरा नहीं मिला। आंटी 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 आंटी, शिकार मिल गया। कहाँ? बस स्टैंड पर, उसके पास 2-3 हजार रुपए है, पैसे बार बार गिन रहा है। वाह क्या बात है, मैं अभी जाकर उस बकरे को प्यार से हलाल करके आती हूँ। हेलो श्याम,
My dear handsome boy, how are you, darling? Handsome boy? कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। Darling, मैं शांति हूँ। शास्त्री नगर में तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट में रहती थी। बाजू वाला फ्लैट? जब से मैं शहर में आया हूँ या तो फुटपाथ पर सोया हूँ या गैरेज में। लगता है ये राम के चक्कर में शाम को पहचान रही है। मौका अच्छा, पीके मस्त, फायदा उठा। क्या हुआ डार्लिंग? क्या सोच रही हो? याद आ गया। डार्लिंग, वो आपकी आंटी क्या हुई? तो मुझे रोज मिठाई खिलाती थी। आंटी? हाँ आंटी। आंटी तो गुजर गई डार्लिंग। बड़े अफसोस की बात। अच्छा, वो आपके दादाजी क्या हुए जो रोज पिछवाड़े बैठ कर खांसते थे? दादाजी वो भी गुजर गए। How sad. अच्छा, वो मोटा सा कुत्ता क्या हुआ जो रोज आपकी गोद में बैठता था और मेरे गाल चाटता था? वो कुत्ता भी गुजर गया। मर गया? अब दुनिया में कितनी अकेली है। सुनो, जब तुम्हारे घर में सब लोग मर गए हैं तो तुम क्यों जिंदा हो? जाओ यहाँ से। डार्लिंग शांति, हम दोनों प्यार की बात करें ना, वो लड़की जल रही है, खोलते पानी की तरह उबल रही है। फिर क्या हुआ डार्लिंग? हम कहीं और चल के बातें करें। पास में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ चलकर कॉफी भी पियेंगे और बातें भी करेंगे। What a good idea. Let's go. चलो ना। डार्लिंग, मैं जब तुम्हारे पड़ोस में रहती थी तो तुम मुझ पर कितना लाइन मारते थे और तुम मुझे घास भी नहीं डालती थी। शुक्र करो तुमको पता चल गया कि मैं कितना हैंडसम बॉय था। अरे क्या हुआ? पानी पियो डार्लिंग, पानी पियो। हाँ पानी पियो। कितना अच्छा लग रहा है, तुम मुझे पानी पिला रही हो, मेरा सर थपथपा रही हो। दिल करता है रोज तुम्हारे साथ यहाँ आऊं, खाऊं, पीऊं, हिचकी लेता रहूं और तुम मुझे पानी पिलाती रहो। मगर ये पॉसिबल नहीं है डार्लिंग। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रांसफर मुंबई में हो रहा है। अरे अभी अभी तुम मेरे दिल में प्यार का गुलाब खिला है, तुम अभी से उस पर खोलता हुआ पानी डालकर ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। क्या करूं डार्लिंग, मजबूरी है। मेरे होते हुए कौन सी मजबूरी? सुनिए, तुम जो भी नौकरी कर रही हो उसे छोड़ दो, पी के मस्त तुम्हें कमाल की नौकरी दिलाएगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वेटर। यस मैम। सुनो, 10 मटन बिरयानी, 10 चिकन बिरयानी, 10 मटन मसाला, 10 चिकन मसाला और 10 मटन सीख कबाब, 10 चिकन सीख कबाब और 10 आइसक्रीम पैक करके उन बच्चों को दे देना। और बिल वहाँ जो बैठे हैं ना वो साहब, उनको दे देना, वो मेरे हस्बैंड हैं। ओके मैम, थैंक यू। सर बिल लाओ। 2000 2000। वेटर, ये तुमने होटल में सब खाने वालों का बिल मेरे को क्यों दिया यार? नहीं सर, आपकी पत्नी पार्सल ले गई, ये उसका बिल है। मेरी मेरी पत्नी? तुम सबका फेवरेट आइटम है इसमें। ये दो लड़के कौन है? और आइसक्रीम भी है, बहुत मजा आएगा। हाय डार्लिंग। हाय। कोई बात नहीं, वो अम्बेसडर के पार्ट्स का क्या होगा यार? अरे अम्बेसडर के पार्ट्स को मार गोली पी के मस्त, ये सोच कि लाइफ में पहले टाइम इतनी सुंदर खूबसूरत लड़की पटिया यार, लाइफ बन गई मेरी। आप कुछ बख्शीश? बख्शीश? एक बात ध्यान से सुनो, मैं बख्शीश देके तुम लोगों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहता। क्या आदमी है। पैसा तो गया, कम से कम लड़की तो मिलनी चाहिए यार। मैम आपका पार्सल। थैंक यू। वेलकम। ये खाना ले जाकर अपने साथियों को जमकर खिलाओ। थैंक यू। जाओ जाओ जल्दी जाओ, मैं बाद में मिलूंगी। सॉरी डार्लिंग, मैं कुछ खाना पैक करा रही थी। तो क्या हुआ? वो दो लड़के कौन है? वो मेरे भांजे हैं। नो प्रॉब्लम, दिल मैंने दे दिया। आपने क्यों दिया डार्लिंग? तो क्या हुआ, अब मैं कोई गैर तो नहीं रहा? अब हाँ, वो तो है। क्या बताऊं डार्लिंग, मेरी सहेली की माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मैंने अपनी सोने की अंगूठी और गले की चेन बेच डाली। बिना चेन के
मेरा गला कितना खाली लगता है ना। तुम्हारा गला खाली? मेरे गले में चैन? ये नहीं हो सकता, मैं बहुत बेचैन हो जाऊंगा। प्लीज नहीं नहीं नहीं, रहने दो डार्लिंग। शांति है, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें लेना पड़ेगा। हाँ? नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। इसको मेरी तरफ से प्यार का पहला तोहफा समझो। ठीक है डार्लिंग, फिर मैं भी आज आपको एक तोहफा दूंगी। नहीं 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 नहीं, नौची नौची नौची, अभी नहीं, रात को। सुनो, तुम एक काम करो, इसी होटल में वो कोने वाली रूम बुक कर दो, रूम नंबर 20। वो रूम बहुत लकी है मेरे लिए। और रात को तुम ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में, हाथ में एक लाल गुलाब का फूल लेकर मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगी तुमसे मिलने। ठीक है? ठीक 10 बजे तुम दरवाजा खोलोगे और मुझे बाहर पाओगे। ओके डार्लिंग, बाय। ना 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 ना, रात को। रात को 10 बजे ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट हाथ में गुलाब। ठीक है मैं, तेरी का लाइफ हो गई, टेंशन आया, चार मीनार गया। या मेरा प्यार आएगा, मेरी लाइफ को मस्त बनाएगा। 10:05 का मैं, 5 4 3 2 1 मेरी कीकू। मत, यहाँ तो आशिकों की लाइन लगी हुई है। लगता है ये लड़की मेरे साथ इन नाकाम आशिकों को भी चूना लगा के गई है। लेकिन ये पी के मस्त आदमी है, बड़ा सख्त, नो प्रॉब्लम, निपट लेंगे। क्यों समझती है वो छोकरी पी के का माल हजम करेगी और डकार भी नहीं लेगी? अरे वो अब भी 2000 रुपए मेरे ऐसे लाग के रखेगी और तुम दोनों को छुड़ा के लेके जाएगी। ए बुढ़े, इन बच्चों को क्यों बांध कर रखा है? बुढ़ा, ए लोमड़ी, तू मेरे को चप्पल से बांध, लेकिन मेरे को बुढ़ा नहीं बोला अभी तक, मेरी जवानी भी नहीं आई, मेरी शादी भी नहीं हुआ तक। अच्छा? ए पीके, क्या हो रहा है? आइए सब आइए, आपकी शक्ल देखकर तो लगता है कि आप इस गैरेज के मालिक हैं, लेकिन आपका जो ये आदमी है ना सर, ये एक नंबर का अय्याश है। देखिए ना सर, मुझे 2000 रुपए देकर मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे होटल में बुलाया और मैं नहीं गई तो मेरे दोनों भांजों को किडनैप कर लिया। ए बैंडिट क्वीन, मेरे जैसे लल्लू को उल्लू बना के 2000 रुपए ऐठे, ऊपर से झूठा इल्जाम। भैरो, मैं ऐसा लगता हूँ किसी की इज्जत लूट सकता हूँ? लेकिन 2000 रुपए कहाँ गए? जेब कट गई। मैं बेसहारा लड़की हूँ सर, इसीलिए हर आदमी मेरी तरफ बुरी नजरों से देखता है। सर आप तो बड़े अच्छे इंसान लगते हैं, अगर आप मुझे आपके गैरेज में नौकरी दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुम चाहो तो इस गैरेज में रह सकती हो और काम भी कर सकती हो। थैंक यू सर। भैरो, तू बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, ये लड़की एक नंबर की फ्रॉड है। अपने अक्के गैरेज को चोर बाजार में चवन्नी के भाव में नहीं बेची ना, मेरा नाम पीके मस्त नहीं। तुम नहीं समझोगे पीके, मैं जो भी काम करता हूँ उसके पीछे एक मकसद होता है। भैरव, मैं तेरे हर मकसद को समझता हूँ। ये लड़की भी दूसरी पूजा बनेगी। Excuse me. Yes.
अभी अभी जो आदमी यहाँ से गए हैं क्या उनका नाम आर के जिंदाल है? नो, ही इज मिस्टर राकेश पांडे एंड ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। अब आप उनका पता बता सकते हैं? मगर आप अब देखिए, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं अचानक उनके घर जाकर उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। मगर वो तो आज 3 बजे की फ्लाइट से लंदन जा रहे हैं, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप एम्परर किंडरगार्टन स्कूल चले जाइए, एयरपोर्ट जाने से पहले वो अपनी बेटी को वहां ड्रॉप करेंगे। थैंक यू। दिशा, क्लास शुरू होने वाली है, आप जल्दी बात कर लीजिए। थैंक यू। यू वेलकम। हेलो दिशा। हाय। हेलो, आप कौन हैं? मैं आपके डैडी का दोस्त हूँ। कहाँ से आए हैं? बेंगलोर से। मेरी मम्मी पापा ने मेरा नाम डैडी रखा है, इसलिए आप मुझे बेंगलोर डैडी कह के पुकार सकती हैं। ओके। ये लो, ये चॉकलेट आपके लिए। बाप रे, इतने सारे चॉकलेट्स। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय। थैंक यू बैंगलोर डैडी। अरे ऐसा ऐसा संभाल के, इस इंजन के कम से कम 20-25 हजार मिल जाएंगे। सुन, रात में इसे चोर बाजार में किशोरी लाल भंगार वाले के पास छोड़ाओ, उसे कहना आंटी सुबह के पेमेंट ले जाएगी। हमें आशीर्वाद दो आंटी। अरे अरे, किस बात का? पहले तो हम साइकिल चोर, घंटी चोर और कैरियर चोर थे, अब तो आपने कार इंजन चोर बना दिया। ये तो कुछ भी नहीं बच्चों, वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम उड़ते हुए हवाई जहाज से इंजन उतार लेंगे। जल्दी कर, जल्दी। अच्छा? ए, क्या हो रहा है? इंजन की सफाई कर रहे हैं हम लोग। ए, साफ कर, ठीक से साफ कर। ये इंजन की सफाई हो रही है? ये इंजन को साफ करने की कार्रवाई चालू है? क्या मतलब है? ये लोमड़ी, मैं जानता था तू एक दिन अपने औकात पे आएगी, इसलिए मैं आँख खोल के जाग रहा था। अब ये गधो, ये कमिश्नर की गाड़ी का इंजन है यार। कमिश्नर की गाड़ी का इंजन का कुछ करोगे ना तो कानून की गाड़ी आगे नहीं चलेगी मेरे माए बापो। चोरी मत करो। ए, क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए पीके, अपने दोस्त के गैरेज से इंजन चोरी करते हो ताकि चोरी का इल्जाम मुझ पे आ जाए। ए शांतपति, दुगाई कानपति, भैरो भैरो भैरो, कसम से मैं तेरे को पहले बोलने बोलता था। ए बैंडिट कुएं का ना खतरे से खा लिए, इसको निकाल निकाल निकाल। ये झूठ बोल रहा है भैरव, ये खुद इंजन चोरी करके भाग रहा था। हम दोनों सबूत है। ए मगरमच्छ, नकली सबूत से मेरा भैरव मेरे पे शक नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये भी तो नहीं मान सकता कि ये लोग इंजन चुरा कर भाग रहे थे। जाओ तुम लोग। पीके, एक बात का ख्याल रखना, दोबारा ऐसी हरकत की ना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ए भैरव, तेरे क्या लगता है मैं इंजन चोरी करूंगा? मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता। वाह दोस्त, क्या दोस्ती का सिला दिया, साला अपना टाइम ही खराब है यार। एक छोकरी क्या आई, दोस्त पराया हो गया। यही वो फांदे वाली लड़की जो मुझे उल्लू बना के मेरे दुकान से 7 लाख रुपए का हार लेके गई थी, आज मैं इसे मुतल के साथ सूद में वसूल करूंगा। पकड़ इसको। Oh,
मुझे माफ कर दो भैया, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तुम्हारा एक भी घुसा पड़ा तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा जूता लेकर मेरे सर पे मार लो। तेरी आंखों में मौत की दहशत देखकर तरस आ रहा है, इसीलिए माफ कर रहा हूँ। आइंदा भैरव के गैरेज की तरफ देखने की इच्छा भी हुई तो अपनी अर्थी का सामान तैयार करके आना। लगता है मेरी वजह से आपको काफी परेशानी उठानी पड़ी। आपने मुझे गुंडों से बचाया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने से तुम्हारी असलियत बदल नहीं जाती। मुझे पता है ज्वेलरी शॉप के मालिक को बेवकूफ बनाकर तुमने बहुत सारा माल लूटा और कल रात को इंजन चुराने की भी कोशिश की थी तुमने, फिर भी आपने मुझे यहाँ रहने दिया। इसलिए कि तुम एक अच्छी लड़की हो। क्यों करती हो ऐसा? मैं ये सब शौक से नहीं करती। मेरी बड़ी बहन गुजर गई है, उसके दो बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। अब ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, और अगर अपनी पिछली जिंदगी से रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो अपना नाम भी बदल दो, वरना आज गुंडे आए थे कल पुलिस भी आ सकती है। आपकी बात तो सही है, फिर आप ही कोई नाम रख दीजिए। तुम अपना नाम सोनाली रख लो। सोनाली? क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है। तब तो मैं यही नाम रखूंगी। ये लो सोनाली साइन का नमूना, प्रैक्टिस करो। अगर कहीं ये साइन करने की जरूरत पड़े तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं तुम एक अच्छी लड़की हो, यह नाम मुझे बहुत पसंद है। अकेले अकेले पान खा रहा है, ला एक हमका भी खिला दे। एक ही पान था तो हम खा लिया। तो फिर एक पान की दुकान खोल ले हमरे लिए। मेरी पान की दुकान अगर होती गोरी मैं तुझे पान खिलाता। मेरी पान की दुकान अगर होती गोरी मैं तुझे पान खिलाता। मेरी पान की दुकान अगर होती गोरी मैं तुझे पान खिलाता। मेरी पान की दुकान अगर होती गोरी मैं तुझे पान खिलाता। रूठा रूठी जो करती मैं तुझको मनाता। तेरे नखरे उठाता, तेरी मांग सजाता, तुझे अपना बनाता। पापा पापा पान की। मेरी पान की दुकान अगर होती गोरी मैं तुझे पान खिलाता। जो होती मचान सोने की तेरी सेज सजाता। कोरी चद्दर पे गेंदे के फूल बिछाता तुझे उस पे सुलाता। घर के ऊपर जो होती मचान सोने की तेरी सेज सजाता। कोरी चद्दर पे गेंदे के फूल बिछाता तुझे उस पे सुलाता। दिल की फुलवारी खिलती तो क्या क्या खिलाता। तुझे लड्डू खिलाता, लौंग लत्ती खिलाता, जो मेरी पान की।
मेरी पान की दुकान अगर होती गोरी मैं तुझे पान खिलाता मेरे दिल के अरमान पूरे करती गोरी मैं तुझे पान खिलाता में कौन सी बड़ी बात है यार? आप कार के अंदर कोई काम नहीं करते ना, आप सो रहे थे ना? चुप, भैरव सुनेगा ना तू मेरी मुरम्मत कर देगा, मेरा पैकअप कर देगा, जाग काम करो ना। क्या तो आ जाते हैं? ए भाई, यहाँ कितने लोग रहते हैं? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि यहाँ कितने लोग रहते हैं? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? नहीं नहीं, मैं राशन कार्ड ऑफिसर हूँ, यहाँ जितने लोग रहते हैं सबका नाम लिखने आया हूँ। तो फिर लिखो पी के मस्त। हैं? पी के मस्त? ऐसे क्या देख रहा है? मैं पी के मस्त नहीं, पी के मस्त यानी प्रेम कुमार मस्त। ओ, और कौन रहता है यहाँ पर? इस जगह का मालिक भैरव। कुल मिलाकर सिर्फ हम दो ही यहाँ पर रहते हैं। नहीं सर, कुल मिलाकर 5 लोग रहते हैं, हम दोनों सोनाली, राम और श्याम। सोनाली आपकी क्या लगती है? मेरी पत्नी, और राम और श्याम उसके भांजे। थैंक यू। ए भैरो, उसको अपनी बीवी क्यों बोला? उसका अपना नाम राशन कार्ड में क्यों लिखा? अभी क्या जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी? मैं कब क्या और क्यों करता हूं उसकी गहराई में जाने की कोशिश मत करना, जाओ अपना काम करो। चुप चुप बैठी हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात। क्यों ये चुपके चुपके क्या लिख? जरूर किसी की खाट खड़ी करने का प्रोग्राम कर रही हो। क्यों शांति? मेरा नाम शांति नहीं है, मेरा नाम सोनाली है। नाम के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बदल दी है भैरव ने। हे राम, ये लड़की तो कई काम से। मेरी बात सुनो, ये सपनों की दुनिया से बाहर निकलो वरना बहुत पछताओगी। और दूसरी बात, ये सोनाली के सिग्नेचर की प्रैक्टिस बंद करो, जेल में रोटी खाने की प्रैक्टिस डालो, बाकी की जिंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। सच बोलता हूँ। तुम मुझे भैरव के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो, वो एक नेक इंसान है और मुझे बहुत चाहते हैं। भैया, तुमने मुझे भैया कहा? हाँ, पता नहीं आज क्यों तुम्हारे लिए भैया का शब्द जबान से निकला। जब तुमने मुझे भाई कह दिया बहना, तो एक बात तुम भी ध्यान से सुनो, ये पी के मस्त भी भैरव को तुम्हारी जिंदगी से खेलने नहीं देगा। नहीं नहीं भैया, वो मेरी जिंदगी से खेल नहीं रहे हैं, वो तो मेरी जिंदगी बना रहे हैं। कल हम दोनों रजिस्टर्ड मैरिज कर रहे हैं भैया। आप दोनों यहां साइन कर दीजिए। मुबारक हो, आज आप दोनों पति पत्नी हो गए। कहाँ जा रहे हो? पार्टी में जा रहा हूँ। क्या मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। देखो सोनाली, मैंने तुमसे इसलिए शादी की कि दुनिया वाले तुम्हें रखेल ना समझे। एक लड़की को इज्जत की जिंदगी बिताने के लिए एक पति चाहिए, एक घर चाहिए, जो मैं तुम्हें दे चुका हूं। इससे ज्यादा तुम मुझसे उम्मीद नहीं करना। दरअसल तुम्हें भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मैंने, और बदले में
मैंने अपने नाम का मंगलसूत्र दिया है, इसलिए आइंदा कभी कोई सवाल नहीं करना। सोनाली, मैंने तुम्हें भैरव से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं माना। ये देखो। माफ कीजिएगा, दूल्हे के पिता कहाँ हैं बता सकते हैं? वो देखो। हेलो सर। हेलो, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, आपसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसी से आपको बचा रहा है। क्या बात? शादी की रस्म पूरी होने से पहले ये कवर खुलकर देख लीजिए। रोक दो ये शादी नहीं हो सकती। क्या बात है सर जी, आपने शादी की रोक दी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो आपसे मैंने रिश्ता जोड़ा, इनसे मिलिए, ये आपकी बेटी के पति। क्या बात कर रहे हैं? ए, कौन है तू? मैं आपका दामाद हूँ किशनलाल जी। सोनाली ने रजिस्टर ऑफिस में मुझसे शादी की है। ये रहा मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर पर सोनाली का साइन, और ये रहा राशन कार्ड पर भी उसका नाम। मैं नहीं मानता, ये झूठ है, बकवास है। सोनलाल जी, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती किशनलाल, मैं कोर्ट ऑर्डर साथ लेकर आया हूँ। ये भी तो हो सकता है कि कोई दूसरी सोनाली हो। मेरी पत्नी कोई दूसरी सोनाली नहीं, आपकी बेटी है। जरा उन्हें बुलाइए, अभी पता चल जाएगा। ये क्या बेटी, तूने छुप के शादी कर ली? मैंने छुप कर शादी कर ली? ये क्या कह रहे हैं आप डैडी? बाहर एक आदमी ने तुझे अपना पति कहकर शादी रोक दी है। मैंने कोई शादी नहीं की डैडी, वो जरूर कोई फ्रॉड होगा। चलिए मैं देखती हूँ उसे। मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं हूं? यही है वो आदमी। कौन हो तुम और इस तरह से मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो? जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालो, सुपरमार्केट याद करो, 12 अप्रैल, हॉल टिकट, तुम्हारी दो सहेलियां। बेटी, अरे ये तो बेहोश होकर गिर गई, दाल में जरूर कुछ काला है। ये आदमी सच्चा है। ये क्या पागलपन है भैरव, श्राद्ध तो मरे हुए आदमी का किया जाता है, लेकिन तुम तो जिंदा हो, अपने आप अपना श्राद्ध क्यों कर रहे हो? ये तस्वीर मेरी नहीं, शंकर की है, जो 7 साल पहले इस दुनिया से चला गया। बहुत ही सच्चा और अच्छा आदमी था ये, मगर ये दुनिया ऐसे लोगों के लिए नहीं है। आज इसकी 7वीं बरसी है। इस शंकर के साथ तुम्हारा जो भी रिश्ता है वो अपनी जगह है। इस वक्त मैं ये पूछने आई हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करने का क्या अधिकार है तुम्हें? मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया तुमने? मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, इसलिए तुमसे प्यार किया। मेरे सारे सपने तुम्हारे साथ जोड़ दिए, तुम्हें अपना जीवन साथी बना लिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे इस चेहरे के पीछे और भी एक चेहरा छुपा हुआ है। सोनाली की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुमने मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। आखिर क्यों? उस बेचारी का बसता हुआ घर उजाड़ दिया, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? चुप क्यों हो भैरव, जवाब दो। आज तक मैंने अपने अतीत में कभी किसी को झांकने नहीं दिया, मगर आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, ये भी कि सोनाली का मेरी जिंदगी से क्या संबंध है।
सिर्फ सोनाली नहीं बल्कि वो तीन थी। ओ पानी ठंडा है, मैं इधर ही स्विमिंग सीख लेता हूँ। सोनाली इस लल्लू को उल्लू बनाने में बहुत मजा आएगा। ए, कम हियर। आ गया। जस्मिन नाम क्या है तुम्हारा? ओ मोहन। स्विमिंग करने आए हो? नहीं नहीं, स्विमिंग सीखने आया हूँ। ओह दैट्स गुड, हम लोग स्विमिंग सिखाते हैं, हम तुम्हें स्विमिंग सिखा देंगे। थैंक यू। और खूबसूरत लड़कियों के साथ मैं स्विमिंग जल्दी सीख जाऊंगा। लेकिन स्विमिंग शुरू करने से पहले कुछ प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रार्थना? हमारे साथ आइए और अब इस ड्रम के अंदर बैठ जाइए। ड्रम में? लो अभी। अरे दे 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 दे, ठंडा है। अब आंखें बंद कीजिए। किया। अब हाथ जोड़ के सूर्य नमस्कार कीजिए। किया। अब अपनी नाक पकड़ कर 10 बार उठक बैठक करो। ओहो, तुम लोग सुधरने वाली नहीं हो, हमेशा कोई ना कोई पंगा करती रहती हो। ओके प्रिया, वी आर जस्ट एंजॉयिंग इट। भाई साहब आप बाहर आइए, चलो तुम लोग मेरे साथ चलो, आओ। मेरे को उल्लू बना गई। अरे प्रिया जवानी चीज ही ऐसी होती है, लाइफ में हंगामा ना हो तो जीना किस काम का। लड़कों के साथ मजाक मस्ती करना ठीक नहीं है, कभी ये मस्ती भारी भी पड़ सकती है। डोंट वरी यार, हम लोग तेरे बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती नहीं करेंगे। ये है कि नौकरी में कोई खराबी नहीं है बल्कि कमी तुम में है, इसीलिए तो तुमको हमेशा नौकरी से निकाल दिया जाता है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मुझ में सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं एक आदर्शवादी पिता का बेटा हूँ। बेईमानी के रास्ते पर आज तक चलना नहीं सीखा मैंने, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए मैं अपना जमीर बेच नहीं सकता। जरा ठंडे दिमाग से सोच ले बेटे, इस घर की पूरी जिम्मेदारी अब तेरे सर पर है, घर में जवान बहन है, कब तक उसे बिठाए रखेगा? और इसी तरह तू नौकरी छोड़ता रहेगा तो उसकी शादी कैसे होगी? मुझे नौकरी छोड़ने का कोई शौक नहीं है दादी, मैंने क्यों नौकरी छोड़ दी जानना चाहती हो तो सुनो। मेरी कंपनी के मालिक ने फाइनेंस हासिल करने के लिए अपनी बीवी को फाइनेंसर के पास छोड़ दिया, ऐसे गंदे आदमी के पास मैं किसी भी कीमत पर नौकरी नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम अपने परिवार का एक ही सहारा हो, पर थोड़ी बहुत बेईमानी तो हर जगह है, तुम दूसरों की बुराइयों पर ध्यान क्यों देते हो? अपने आप से ईमानदार रहो और अपना काम करो। मुझे लेक्चर मत दो, ये मेरा जाती मामला है and I don't want you to interfere in my family matter, okay? भैया, प्रिया जी से आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, इन्हें हम अपने घर परिवार से अलग थोड़ी समझते हैं। रजनी इन्हें बोल दो कि मैं इनके फैमिली मैटर में कोई दखल नहीं देना चाहती। मैं तो इन्हें ये याद दिलाने आई हूँ कि कल 1 तारीख है, पिताजी भाड़ा वसूल करने आने वाले हैं। शंकर डबल एम कॉम 6 महीनों से मुझे चकमा दे रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शंकर शंकर, अरे कहाँ हो तुम? शंकर कहाँ हो तुम? जी नमस्ते, बैठिए ना। अरे मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, पिछले 6 महीनों से तुमने मेरा किराया नहीं दिया है और ये 7वां महीना चल रहा है। अरे ये तो मेरी शराफत है कि मैंने तुम लोगों को घर से बाहर नहीं निकाला, मगर आज मैं कोई बहाना सुनने वाला नहीं हूँ। अगर 24 घंटों के अंदर मेरा किराया नहीं दिया तो घर खाली कर दो। बात दरअसल ये है रामप्रसाद जी कि मेरी नौकरी छूट गई है, इसलिए आज मैं किराया नहीं दे सकता। अगर आप मुझे थोड़े दिनों की और मोहलत दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भैया मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, पिछले 6 महीनों से मेहरबानी करता आ रहा हूँ, अब और मेहरबानी नहीं कर सकता। तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लो, और जब तुम्हारी नौकरी ही नहीं रही तो भाड़ा कहाँ से दोगे? मैं कहीं ना कहीं से कोई इंतजाम करके आपके पैसे जरूर दे दूंगा, मुझ पर भरोसा कीजिए। निकालने से भी कोई फायदा नहीं, 6 महीने का भाड़ा भी डूब जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत और देता हूँ, और अगर तुमने मुझे 3 दिन के बाद भाड़ा नहीं दिया तो तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। भाई साहब
सुनिए भाई साहब, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका में नौकरी हासिल करने के लिए अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलिए, मैं फोन पर ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। ओके यस जी, मेरा नाम शंकर है, क्या मुझे अमेरिका में नौकरी मिल सकती है? व्हाई नॉट, तशरीफ रखो। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? जी मैं डबल एमकॉम हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। क्या डबल एमकॉम होकर तुम बेकार घूम रहे हो? हिंदुस्तान की यही तो प्रॉब्लम है, यहां टैलेंट की कोई कद्र नहीं। अब तुम्हारे जैसा क्वालिफाइड आदमी जॉबलेस है, कितने दुख की बात है। बट डोंट यू वरी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। पासपोर्ट है आपके पास? जी हाँ सर, पासपोर्ट है मेरे पास। फिर समझ लो आपको अमेरिका में नौकरी मिल गई। थैंक यू सर। वीजा और इमिग्रेशन की दूसरी फॉर्मेलिटीज के लिए सिर्फ 1,00,000 रुपए देना पड़ेगा आपको। लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है सर। ना 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 ना, ये पैसे आपको एक साथ नहीं देने हैं। अभी आप सिर्फ 5,000 भरकर अपना नाम लिस्ट में दर्ज करवा दीजिए, उसके बाद आपको 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। ठीक है सर, आप मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं 5,000 रुपए लेकर आता हूँ। ठीक है, मगर कल तक पैसे जरूर भर देना, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। मैं समझता हूँ सर, मैं किसी भी तरह कल पैसे लेकर आऊंगा। अमेरिका जाने का ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, एक बार अमेरिका चला गया तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन ये 5,000 रुपए लाऊं कहां से? कितना चाहिए? 5,000। सस्ते में दे रहा है, कहीं चोरी का तो नहीं है? नहीं सर जी, मैं इसे चुरा कर नहीं लाया। हालात से मजबूर होकर इंसान तो अपने आप को बेच डालता है, ये तो मेडल है, और मैं इसे 5,000 में बेचने नहीं, आपके पास गिरवी रखने आया हूं। ठीक है। देखिए मेरी ये 2 टिकट है। हाँ जी, लीजिए भिजवा दीजिए। सर ये 5,000 रुपये हैं, मेरा नाम लिस्ट में डाल दीजिए, बाकी के पैसे मैं 1 महीने के अंदर लाकर दे दूंगा। वेरी गुड, तुम बहुत ही खुश नसीब हो मिस्टर शंकर, लिस्ट में बस एक ही जगह खाली बची थी, अब मैं तुम्हारा नाम उसमें लिख दूंगा। थैंक यू सर। चलो 1,00,000 रुपये में तुम्हें अमेरिका जाने का चांस तो मिला, और ये पैसे तुम वहां जाकर 1 ही महीने में कमा लोगे, क्योंकि वहां तुम्हारे 1 महीने की तनख्वाह 1,00,000 रुपये होगी। ये सब आपकी मेहरबानी की वजह से है सर। ठीक है, अब तुम जाओ, कल अपने पासपोर्ट की जेरोक्स कॉपी लेकर आना और हमसे रसीद ले जाना। थैंक यू सर। हाय छोटे। अरे आओ भैया आओ। और सुनाओ छोटे, तुम्हारा टोपी बाजी का धंधा कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास भैया। ये गरीब लोग सपनों की दुनिया में जीते हैं, और मैं इन्हें ऐसे रंगीन सपने दिखाता हूं कि ये लोग अपने FDs बेचकर, अपने घरों का सामान बेचकर मुझे पैसे दे जाते हैं। और इस धंधे में भैया पुलिस को भी हफ्ता नहीं देना पड़ता। मैं 1 महीने के अंदर 3 करोड़ रुपए जमा कर चुका हूँ। शाबाश छोटे शाबाश। अगर ये ऑफिस बंद कर दो और कोई दूसरा धंधा शुरू कर दो, वरना पब्लिक को तुम्हारी असलियत का पता लग गया तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। मैं किसी लफड़े से नहीं डरता, आप जो हैं वो तो है, लेकिन छोटे तुम ये पहले ऑफिस बंद करो, उसके बाद किसने आवाज की ना तो मेरे लड़के लोग सब देख लेंगे बस। ठीक है भैया। कमाल है, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम देने जा रहे हो और मुझे बताया तक नहीं। ये कोई बड़ी बात तो नहीं जो तुम्हें बताता। लेकिन उम्र की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन क्या मैडम, CA का एग्जाम किसी भी वक्त दिया जा सकता है, इसके लिए कोई बंदिश नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम्हें अमेरिका जाने की क्या जरूरत है?
एक बार तुम सीए बन गए तो यही बहुत पैसा कमा सकते हो। ये मैं जानता हूँ प्रिया, लेकिन एक बार अमेरिका चला गया तो जिंदगी बदल जाएगी और ये चांस मैं खोना नहीं चाहता। एनीवे तुम्हारी सहेलियां तो नहीं आई, मैं चलता हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ ना, आती ही होंगी। ओह ओह प्रिया देर हो जाएगी, पासपोर्ट की जेरोक्स कॉपी लेकर एजेंट के पास जाना है, तुम्हारी सहेलियों से बाद में मिलूंगा। ओके ओके। हाय प्रिया। हाय हाय प्रिया। हाय प्रिया। सॉरी यार, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। कहाँ है तेरा हीरो, अभी तक आया नहीं? वो आया भी और तुम लोगों का इंतजार करके चला भी गया। तू भी कमाल करती है यार, तूने उसे रोका क्यों नहीं? उसे किसी जरूरी काम से जाना था इसलिए वो चला गया। नो प्रॉब्लम यार, छोड़ेंगे नहीं, किसी दिन तेरे हीरो से जरूर मिलेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इधर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। तुम लोग जानते हो कि कंपनी को घाटा हो गया है, इसलिए तुम लोग अपना अपना पैसा भूल जाओ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं नागेश्वर जिंदाल का आदमी हूं, अगर किसी ने भी पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की तो जान से जाएगा। गरीबों को अमेरिका में नौकरी दिलाने का सपना दिखाने वाला आर के जिंदाल कहां है, सीधी तरह बता दे वरना। वरना क्या कर लेगा तू? धोबी घाट गया है कभी? जिस तरह धोबी कपड़े को बांधकर पटक पटक कर साफ करता है ना, उसी तरह मैं तुझे सड़क पर पटक पटक कर ऐसे धोऊंगा कि तेरी सड़ी अकड़ पीछे के रास्ते से निकल जाएगी। सर ये जिंदाल के आदमी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। जिंदाल मेरे साथ साथ सभी लोगों के पैसे लूटकर फरार हो गया है। आपको जो कुछ भी कहना है आप पुलिस स्टेशन में आकर कहिए, ले चलो इनको। तुम सब मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? क्या बात है मां, तो बोलती क्यों नहीं? समझ गए, रामप्रसाद जी ने मकान खाली करने के लिए बोल दिया होगा। तू चिंता मत कर, मैं उन्हें समझा दूंगा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया, मैं तो आपको बहुत मजबूत इंसान समझती थी, मगर आप तो बहुत कमजोर निकले। तू बोलना क्या चाहती है, मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझ जाएंगे, ये देखिए। ये मेडल तेरे पास कहां से आया? जरूरत पड़ने पर इंसान अगर सोने की अंगूठी या चेन गिरवी रख दे या बेच दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये मेडल सिर्फ एक सोने का सिक्का नहीं बल्कि तुम्हारा गौरव है, इसे तुम्हें गिरवी नहीं रखना चाहिए था शंकर। आज मैं अपनी ही नजरों में बहुत छोटा हो गया हूं प्रिया। सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें छोटा दिखाना नहीं था। देख बेटे, रूखी सूखी खाकर हम इज्जत से जी रहे हैं, आज तक हमारे परिवार की मान मर्यादा पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई, फिर ये मेडल गिरवी रखने की बात लोगों को पता चलेगी तो वो क्या कहेंगे शंकर? शंकर तुम बदल जाओ। ठीक है माँ, आज मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, आज के बाद मैं अपना आचार विचार बदल डालूंगा, अपने आप को दुनिया के सांचे में डालने की कोशिश करूंगा। अब जो भी नौकरी मुझे मिलेगी वो परमानेंट होगी, उसे मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगा। हेलो
लागू दादी माँ। जीते रहो बेटा। नमस्ते। नमस्ते बहन जी, मैं वादे के मुताबिक ठीक दो दिन के बाद आया हूँ। कहाँ है आपका सपूत? नमस्ते रामप्रसाद जी। आओ बेटा आओ, घबराना नहीं, मैं तुमसे भाड़ा वसूलने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तुम भाड़ा कहाँ से दोगे। तुम निश्चिंत होकर रहो, भाड़े की कोई चिंता मत करना। आपका दिल कितना महान है रामप्रसाद जी, देखा जाए तो आप जैसे लोगों की वजह से ही अच्छा ही जिंदा है। लेकिन बुरा मत मानना बेटा, मुझे शक है कि तुम्हारे पास डबल एमकॉम की डिग्री वाकई में है भी या नहीं। अगर तुमने डबल एमकॉम किया होता तो तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिल जाती। आपको मेरी डिग्री पर शक है? अभी दिखाता हूँ। बहन जी आप अपना काम कर लीजिए। ये देखिए। हाँ हाँ, डिग्री तो वाकई डबल एमकॉम की ही है और असली भी है। अच्छा बेटे मैं चलता हूँ। रामप्रसाद जी हा? मेरी फाइल। अरे भैया मेरे 7 महीने का किराया दे जाना और अपनी फाइल ले जाना। लेकिन इस डिग्री के बगैर मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। प्लीज रामप्रसाद जी, इसके बगैर मैं हैंडीकैप हो जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे 7 महीने का किराया दे जाना और अपनी डिग्री ले जाना। राम शंकर की डिग्री की फाइल है, यहाँ कैसे आई पिताजी? मैं लेकर आया हूँ। पिछले 6 महीनों से अपना भाड़ा वसूलने के लिए मैं कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। अब अपनी डिग्री के लिए वो मेरे आगे पीछे दुमिलाता हुआ फिरेगा, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर लेगा, वो मेरे पैसे दे जाएगा और अपनी डिग्री ले जाएगा। ये आपने ठीक नहीं किया पिताजी, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। आपने तो उस बेचारे का सहारा ही छीन लिया। इस तरह किसी की मजबूरी से खेलना पाप है पिताजी। पाप और पुण्य का सबक तू मुझे मत सिखा बेटी। 6 महीनों से मैं उसे झेल रहा हूँ, अगर कोई और मकान मालिक होता तो उसका सारा सामान जब्त कर लेता और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता। देखिए पिताजी, मैं शंकर को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बेरोजगार है मगर बेईमान नहीं। नौकरी मिल जाने पर वो आपके सारे पैसे चुका देगा। अगर मैं तेरी सलाह पर चलने लगा ना बेटी तो मुझे करोड़पति से भिखारी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तू कॉलेज जा, इन चक्रों में मत पड़। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम जो कहना चाहते हो मैं जानती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी जुबान से सुनके मुझे खुशी होगी। कहो क्या कहना चाहते हो? मैंने अपनी बात इस लेटर में लिख दी है, आप इसे अकेले में पढ़ लेना और मुझे जवाब दे देना। अच्छा तो तू मेरी बेटी को ये लव लेटर दे रहा था? नहीं सर, मैं तुझे एक बहुत अच्छा आदमी समझता था। मुझे नहीं पता था कि तेरी नीयत इतनी गंदी है। देखिए मेरी बेटी पर गंदी नजर रखने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? नहीं सर आप सुनिए, तू मेरी भोली भाली बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर रातों रात अपनी तकदीर बना चाहता है। रामप्रसाद जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ये लव लेटर नहीं। अबे चुप, देख लिया आप सब लोगों ने, मैंने इस पर तरस खाकर इसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, इसका ये सिला दिया है इसने, मेरी घर की इज्जत के साथ खेल गया ये। ये तूने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि आज की दुनिया में किसी पर एहसान नहीं करना चाहिए। तेरे घर में भी एक जवान बहन है, अगर तेरी आंखों के सामने कोई उसे लव लेटर दे तो कैसा लगेगा तुझे? शंकर शंकर ये क्या हो रहा है बेटे? कोई बात नहीं है माँ। रामप्रसाद जी देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे अपनी बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है, लेकिन इतने लोगों के बीच आप अपनी बेटी की इज्जत क्यों नीलाम कर रहे हैं? अब बचा ही क्या है, बदनामी की कालिक तो पोती थी तूने मेरे मुंह पे। पिताजी अगर इन्होंने मुझे लव लेटर देना चाहा तो इसमें आप अपनी बेइज्जती क्यों महसूस कर रहे हैं? इसे स्वीकार करना या फाड़कर फेंक देना मेरी अपनी मर्जी है, और वैसे भी हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है,
जिस लेटर के कारण आपने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, कम से कम इसे एक बार पढ़ तो लिया होता। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं। मिस प्रिया, आपने अक्सर मेरी मदद की है। मेरी बहन की पढ़ाई के लिए 1500 रुपए कर्ज दिए। जब मेरे पास ऑटो का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे तो आपने मुझे 100 रुपए दिए। फिर मेरा गोल्ड मेडल मारवाड़ी के पास से छुड़ा कर लाकर दिया मुझे। आपने हमेशा मुझ पर एहसान किया है, इसलिए हिम्मत करके लिख रहा हूं, एक और एहसान कर दीजिए मुझ पर। आपके पिता मेरी डिग्री ले गए हैं और आप तो जानते ही, डिग्री के बगैर मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। अपने पिता को किसी तरह मना कर मेरी डिग्री या उसकी जेरोक्स कॉपी मुझे दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नौकरी मिलते ही मैं आपका सारा कर्ज और मकान का भाड़ा भी अदा कर दूंगा। सुन लिया पिताजी, शंकर ने मुझे कभी बुरी नजर से नहीं देखा। बुराई खुद आपकी अपनी नजर में है। जब आदमी का मन काला होता है ना पिताजी, तो उसे सारी दुनिया काली नजर आती है। इतने लोगों के बीच जब मैं रुसवा हो ही चुकी हूँ, तो एक बात आपको भी खुलकर बता देती हूँ। ये मुझसे प्यार करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ और शादी भी इसी से करूंगी। तो फिर मेरा भी एक फैसला सुन लो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं, आप मुझे अपने घर से निकाल देंगे, अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, यही ना? जब आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है तो इस घर में रहने से क्या फायदा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पिताजी, दहेज के रूप में मैं इस घर से सिर्फ अपने होने वाले पति की ये फाइल लेकर जा रही हूँ। चलो शंकर। ये तुमने ठीक नहीं किया प्रिया, तुम्हें इस तरह पिता का घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इससे तुम्हारे पिता की और बदनामी होगी। जब उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है फिर मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? आई थिंक अब इस टॉपिक पर बात करने से कोई फायदा नहीं है शंकर। देखो प्रिया, तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी शंकर। ये तो कैसी बातें कर रही है बेटी, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, वो तो अपनी तकदीर अपने साथ लाती है। एक ही समस्या है बेटी, शंकर की बड़ी जिम्मेवारी है रजनी की शादी। आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं शंकर को उसकी जिम्मेदारी से दूर नहीं होने दूंगी। पहले रजनी की शादी होगी, उसके बाद ही मैं और शंकर शादी करेंगे। पोस्टमैन भैया। क्या है भैया? आपके लिए चिट्ठी। एक गुड न्यूज है माँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए मेरा आई कार्ड आ गया है। देखो भैया, भाभी के घर में कदम रखते ही आपको कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है। She's lucky for you. अगर इस एग्जाम में पास हो गया ना माँ, तो मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तू दुआ कर माँ, मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊँ। वैसे भी तू कभी फेल नहीं हुआ बेटे, भगवान ने चाहा तो तू जरूर पास हो जाएगा। यहाँ क्यों लेके आई? आज शिवरात्रि है, भोलेनाथ से जो भी मांगोगे वो मिलेगा। चलो। ये लो। ये क्या है? ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। मुझे चक्कर आ रहा है। कुछ नहीं होगा, चक्कर तो आएगा ही क्योंकि आपने भांग पी ली है। क्या, ये भांग है? जी। I'm gonna make you mine.
बेटा ये लो, मैंने भगवान के सामने रखकर प्रार्थना की है, देखना इस बार तो इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होगा। थैंक यू माँ। जीते रहो बेटा। इट्स ऑलरेडी लेट शंकर, कम ऑन लेट्स गो। मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ कहाँ जाओगी? तुम्हें कॉलेज छोड़ने। मैं बच्चा थोड़े ही हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा। आज का दिन बस में जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए शंकर, अगर बस मिस हो गई तो कॉलेज जाने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं सहेली की स्कूटर लेकर आई हूँ। चलो बैठो। अरे स्कूटर यहाँ क्यों रोक दी? एक जरूरी काम है, आओ मेरे साथ। रिया मुझे देर हो जाएगी, तुम अपना काम कर लो, मैं बस पकड़ कर चला जाऊंगा। मैंने कहा ना आओ मेरे साथ। जी कुछ अच्छी क्वालिटी का पेन दिखाइए। जी अच्छा। प्रिया वी आर गेटिंग लेट। ये देखिए। डोंट वरी बाबा, आई एम अ फास्ट ड्राइवर, तो मैं ठीक समय पर पहुंचा दूंगी। ये पेन दे। जी अच्छा।
ये लो अपनी मोहब्बत का पहला तोहफा, एग्जाम पेपर इसी से देना, ये तुम्हारे लिए लकी साबित होगा। थैंक यू। शंकर तुम्हें एक बात बताऊं, आज से तुम मेरी मुट्ठी में बंद रहोगे। वो कैसे? कैसे? ऐसे। एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारे दिए हुए पेन से एग्जाम पेपर्स नहीं लिखना चाहिए। क्यों? इसलिए, भगवान ना करे अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ये मोहब्बत मेरे लिए बहुत अशुभ है। यू नॉटी। एग्जाम शुरू होने में थोड़ी देर है, थोड़ा पढ़ लेता हूँ। आज पहली बार तुम्हें खुलकर हंसता हुआ देख वाकई में मुझे बहुत खुशी हो रही है, वरना तुम हमेशा एंग्री मैन बने रहते हो। इट वॉज ड्यू टू डिप्रेशन, जो अभी नहीं है। प्रिया, इस इम्तिहान से काफ़ी उम्मीदें बंधी हैं। सीए बनकर आराम से इतना कमा लूँगा कि अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी दे सकूँगा। मैं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुशहाल देखना चाहती हूँ। Don't get distracted. पढ़ो। Sorry, ma'am. ए ब्योड़े, आदमी है कि जानवर? पान थूक के गंदा कर दिया? I'm sorry, ma'am. Sorry. चल, साफ कर इसे। Okay, ma'am. मैं साफ कर देता हूँ। साफ करता हूँ। नहीं दे सकती, नागेश्वर की छोड़ो आने में। अरे ये तो नागेश्वर है, चलो चलो दुकान बंद करो जल्दी। अरे ये तो नागेश्वर है, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। कैसे हुआ है खून? पता नहीं साहब, मैं तो अभी आया हूँ। तुमने देखा? नहीं साहब। दिन दहाड़े एक आदमी का खून हो गया और किसी ने नहीं देखा। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? हम लोग शॉपिंग के लिए आए थे। फिर तो तुम लोगों ने जरूर देखा होगा कि खून किसने किया है। नहीं सर, जब हम लोग यहाँ आए थे तो खून हो चुका था, मैं इसकी लाश देखकर बेहोश हो गई थी। ये झूठ बोल रही है साहब, ये तीनों लड़कियों का नागेश्वर के साथ लफड़ा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और इन तीनों लड़कियों ने इसका खून कर दिया। खून होते हुए मैंने नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, सच्चाई मैं बताती हूँ, जब हम लोग शॉप से बाहर आ रहे थे तो उसी समय ये आदमी हमारे सामने आया
और हम लोगों की इज्जत लूटने की कोशिश करने लगा। उसी समय एक आदमी आया और हमें बचाने के लिए इससे लड़ने लगा। उसी के हाथों ये मारा गया। वो आदमी कौन है? तुम लोग उसे पहचान सकती हो? हम उसे नहीं जानते। तब तो तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये देखिए सर, यही आदमी था जिसके हाथों नागेश्वर का खून हो गया। कांस्टेबल, देखो क्या है। अरे ये तो सीए के एग्जाम का हॉल टिकट है, ये तो आज ही है। लास्ट बेल किया, चलो। योर हॉल टिकट प्लीज। ओह यस। सॉरी सर, किताब में रखी थी। फिर आप किताब में हॉल टिकट आ देना। मैंने किताब में रखी थी प्रिया। सॉरी सर, पता नहीं जल्दी मैं हॉल टिकट कहाँ रख दी मैंने। आप हॉल टिकट के बिना अंदर नहीं जा सकते। सर ये मेरी जिंदगी का सवाल है सर, अंदर जाने दीजिए, बहुत देर हो चुकी है। देखो मिस्टर, आपको ड्रामा करने की जरूरत नहीं, आपको हॉल टिकट लेकर आना चाहिए था। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं घर से हॉल टिकट लेकर निकला था, कहीं गिर गई होगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। आप विदाउट हॉल टिकट अंदर नहीं जा सकते। यू कैन गो नाउ, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। सर लेकिन आपकी मदद नहीं कर सकता, प्लीज गो ना। सर मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। सर मेरा यकीन कीजिए सर, ये हॉल टिकट आपका है। देखा सर, देखा हॉल टिकट मिल गया सर, ये आपको जरूर कोई रास्ते में मिली होगी। आप यहाँ तक लाए हैं इसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? मैंने क्या किया सर? तुमने नागेश्वर जिंदल का खून किया है। खून?
खून, ये खून की बात कर रही प्रिया। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। सुपरमार्केट के अंदर तुमने एक आदमी के साथ मारपीट की और उसे जान से मारकर यहाँ आए ताकि तुम पर कोई शक ना कर सके। नो सर, शंकर ने किसी का खून नहीं किया, मैं गवाह हूँ इस बात की। सुबह से मैं इन्हीं के साथ हूँ। सर, मैं यहाँ एग्जाम देने आया हूँ। यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। सर, तुम क्या समझते हो, हम पुलिस वाले पागल हैं? ऐसी हालत में कोई एग्जाम देने आता है? सर, मैं पागलों की तरह कॉलेज के आसपास हॉल टिकट ढूंढ रहा था, इसीलिए मेरी यह हालत हुई है। मैंने किसी का खून नहीं किया सर। देर हो रही है, मुझे हॉल टिकट दे दीजिए। आई एम सॉरी, तुम्हें जो कुछ कहना है अदालत में कहना। और सुनो, जब तक इस केस का फैसला नहीं होता आप लोग शहर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मैं आपको कभी बुला सकता हूँ। ओके, जाओ। आर के जिंदाल का दूसरा नाम काल है। मेरे भाई नागेश्वर के कातिल को कानून जो सजा देगा उससे सुकून नहीं मिलेगा मुझे। उसकी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। हाय, वैसे तो तू मुझे पहचान ही गया होगा, मगर आज मैं तुझे अपना असली रूप दिखाता हूं। 400 बीसी के धंधे में आने से पहले मैं सुपारी लेता था, पैसों के लिए आदमी को मारता था मैं, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे, पुलिस स्टेशन में दादागिरी मत दिखाना, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। कांस्टेबल, निकालो बाहर से। हाँ इंस्पेक्टर, अपने औकात में रहे, मेरी पहुंच दिल्ली तक है। मेरी एक बात याद रखना शंकर, मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता और ना ही उन्हें कभी माफ करता हूं। नागेश्वर के कत्ल के लिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बल्कि तेरे पूरे परिवार को मौत की चादर में लपेट दूंगा। देखिए, सुनिए, मैंने आपके भाई का खून नहीं किया। यकीन कीजिए, मैंने उसे नहीं मारा। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें समझाइए, मैंने नागेश्वर का खून नहीं किया। मैं निर्दोष हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं इंस्पेक्टर साहब। मेरे भाई की चिता बुझने से पहले इस घर में जितने भी लोग हैं इन सब की चिता जला दो, शमशान बना दो इस घर को। वकील साहब, मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनकर ना जाने उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। वैसे भी उनकी नजर में मैं एक बददिमाग और गुस्से वाला लड़का हूँ। वकील साहब, आप प्लीज मेरी माँ को समझाना कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। उन्हें यह भी यकीन दिलाना कि मैं इस केस से जल्दी ही छूट जाऊंगा। आओ चले। Thank you.
जेल की सलाखों के पीछे 7 साल मैं उस जुर्म की सजा काटता रहा जो मैंने किया नहीं, और असली मुजरिम ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहे। जेल से रिहा होने के बाद मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरे परिवार की मौत के जिम्मेदार लोगों की बर्बादी, और आज भी उसी मकसद से जी रहा हूं। 2 लड़कियों को उनके किए की सजा दे चुका हूं, तीसरी बाकी है और वो अब मेरी पहुंच से दूर नहीं। मुझे पता चल गया है कि इन दिनों वो कहां है। देखो भैरव, बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है माफ कर देना, और जो माफी देता है वो महान होता है। ये सब छोड़ दो, उस लड़की को उसके किए की सजा भगवान देगा। उसे भगवान की अदालत में नहीं, मेरी अदालत में सजा मिलेगी। जज की हैसियत से उसकी मौत के परवाने पर 10 खत कर चुका हूं, अब जल्लाद का काम है उसे अंजाम देना। मेरी बात मानने की कोशिश करो भैरव, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, कानून को अपने हाथ में मत लो। वक्त और मौत पर आज तक कोई अंकुश नहीं लगा पाया सोनाली, तुम भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अच्छा कंचन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इसे भी साथ ले जाइए, रास्ते में स्कूल छोड़ दीजिएगा। क्यों, ड्राइवर नहीं है क्या? उसका बच्चा बीमार है, इसलिए उसको छुट्टी दे दी। कमाल करती हो, नौकर और वॉचमैन पहले से ही 2 दिनों की छुट्टी पर है, और आज तुमने ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी। आजकल तुम सारा काम अपनी मर्जी से करने लगी हो। आपको अपने बिजनेस से फुर्सत ही कहां मिलती है, जो आपसे पूछ लिया करो। अच्छा अच्छा, बहस मत करो, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाना है, इसलिए इसे स्कूल तुम्हें ही छोड़ने जाना होगा, समझे? ठीक है, मगर आज शाम को घर जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि आज पेरेंट्स डे है, प्रिंसिपल साहब ने हम दोनों को साथ में इनवाइट किया है। मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन अगर ना आ सका तो तुम्हें ही से लाना होगा। बाय बेटा, बाय बाय। ये तुम क्या कह रही हो सोनाली, भैरव उस लड़की को खून करने जा रहा है? हाँ भैया, उनके सर पर खून सवार है, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। उसे किसी भी तरह रोकना होगा, जानती हो भैरव ने अगर उस लड़की का कत्ल कर दिया तो क्या अंजाम होगा, उसे एक उम्र कैद या फांसी की सजा कब से कब। इसीलिए तो मैं परेशान हूँ भैया। तू चिंता मत कर बहना, भैरव तेरी मांग का सिंदूर है, अगर उसे बर्बादी से बचाने के लिए पीके मस को अपनी जान की बाजी भी लगा देनी पड़ी ना, तो तू उसे पीछे नहीं पाएगी। भैया चल। दोस्तों, जिस तरह जंग अकेली नहीं जीती जा सकती, उसी तरह एक अकेला आदमी किसी भी बिजनेस को कामयाबी की बुलंदी पर नहीं पहुंचा सकता। हमारी कंपनी ने जो तरक्की, जो कामयाबी, जो सफलता हासिल की है, उसके पीछे हमारे सभी पार्टनर्स का बराबर का योगदान रहा है। जब से हमारे राकेश साहब इस कंपनी के चेयरमैन बने, इस कंपनी ने बेहद तरक्की की है और बिजनेस की दुनिया में अपनी एक खास जगह बनाई है। दोस्तों, राकेश साहब की परफॉर्मेंस से हमारी कंपनी के सभी पार्टनर बहुत खुश हैं, और मैं उनकी काबिले तारीफ कामयाबी के लिए राकेश साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। राकेश जी, आपके लिए पार्सल आया है। पार्सल मेरे लिए? किधर से आया? कुरियर से आया। कुरियर से? ये तो नकली है, मगर असली नाग भी तेरे आस पास है, वो किसी भी समय तुम्हें डस सकता है। कौन हो सकता है ये? तुम्हारे डैडी का कोट पहनकर मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा लेफ्ट आइए और थोड़ा सा। अच्छा, मुझे तो बोल के गए थे कि नहीं आ पाऊंगा, और आ गए, अभी बताती हूँ। स्माइल डैडी।
कमाल है, तुम मुझे भूल गई। मैडम अब तक तुम्हारा चेहरा मुझे याद है। 7 साल के अरसे में एक पल के लिए भी मैं तुम्हें नहीं भूला। याद करो, FIR में 10 खत करके तुमने एक निर्दोष इंसान के माथे पर खूनी लिख दिया था। तुम्हारे झूठे बयान की बुनियाद पर एक निर्दोष आदमी को 7 साल की सजा लगी थी। देखो, हम तुम्हें जानबूझकर नहीं फंसाना चाहते थे। दरअसल हम डर गए थे उस खून का इल्जाम हमारे ऊपर नहीं आ जाए, इसीलिए हमने झूठा बयान दिया था। मैं अपनी भूल के लिए माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे माफी मांग लेने से मेरी जिंदगी जो बर्बाद हो गई या फिर से आबाद हो जाएगी। तुम्हारे सॉरी बोल देने से क्या मेरे परिवार के लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे? चार निर्दोष आत्माओं को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं तुम्हारे किए की सजा नहीं दे देता। तुम्हारी मौत निश्चित है कंचन। कोशिश बेकार है कंचन, क्योंकि मौत से आज तक कभी कोई भाग नहीं पाया। जेल की सलाखों के पीछे 7 साल जिस तरह मैं मर मर कर जीता रहा, मैं चाहता हूं कि 7 घंटे उसी तरह तुम मर मर के जियो और मौत की तड़प महसूस करो। हेलो, देखो कंचन, जरा होशियार रहना, किसी अनजान आदमी को घर में घुसने मत देना। कोई मेरी जान का दुश्मन बन गया है। आज दफ्तर में किसी ने मुझे नकली नाक भेजकर डराने की कोशिश की है। उस नकली नाक से इतना घबरा गए? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तुम्हें तुम्हारी बेटी बताएगी। आओ दिशा, बताओ डैडी को कि मैं कौन हूँ। हेलो डैडी, ये तो बैंगलोर डैडी है। बहुत अच्छा है, मुझे चॉकलेट देते हैं। मैं तेरी बेटी का डैडी हूँ, सुन लिया जिंदाल? जिंदाल, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? 7 साल पहले किसी के पूरे परिवार को बम के धमाके से उड़ा दिया था तूने। कुछ याद आया जिंदाल? शंकर तो तेरी जुल्म की चक्की में पीस कर कब का मर चुका है। मैं भैरव जो तुझसे अपने खानदान की मौत का हिसाब करने आया है। तेरी जिंदगी और मौत के बीच अब बहुत कम फासला रह गया है जिंदाल। यू रास्कल, मैं आ रहा हूं। एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया था, तुम्हारे पति का नाम राकेश पांडे नहीं है, RK जिंदाल है। और जिस नागेश्वर का तुमने खून किया था वो तुम्हारे पति का भाई था। और तुम्हारे पति को ये नहीं मालूम कि तुम उसके भाई के कातिल हो। अगर ये सच्चाई मैं उसे बता दूं तो जानते हो क्या होगा? वो खुद तुम्हें मार डालेगा। और मैं भी यही चाहता हूं कि सच्चाई तुम्हारे पति को बताकर उसके हाथों तुम्हारी मौत का तमाशा देखूं। हेलो, अब देखिए, आपकी जान को खतरा है, भैरव आपको और आपके पति को मार देगा। मैडम, हम बैंगलोर से आपकी जान बचाने के लिए आए, फिलहाल हम रिसोर्ट होटल से बोल रहे हैं, अभी शहर छोड़कर भाग जाइए। भैरव वहां किसी वक्त पहुंच सकता है। भैरव यमराज बनकर यहाँ पहुंच चुका है। गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? भैरव पहुंच चुका है। क्या? अब क्या होगा? मैं वहां पहुंचना होगा तो चलो चलो।
तुम्हारी मौत देखने से पहले मुझे अपनी बीवी और दोस्त को बेंगलोर भेजना है, इसीलिए दिशा को अपने साथ ले जा रहा हूं। नहीं, तुम दिशा को नहीं ले जा सकते। चिल्लाओ मत और कान खोल कर सुन लो। पुलिस को फोन करने की कोशिश नहीं करना, ना यहां से भागने की, वरना तुम्हारी ये मासूम बच्ची, इसकी लाश तक तुम्हें नहीं मिलेगी। अरे यहाँ ना तो कोई टैक्सी है ना कोई कार, कहीं ऐसा ना हो वहाँ पहुँचने में देर हो जाए। एक काम करते हैं, आगे चल के कुछ देखते हैं। हाँ चलो। ए, प्लीज रोको, रोको, हेल्प, हेल्प, प्लीज, 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 प्लीज। एए, कौन हो तुम लोग? इस तरह बीच सड़क में गाड़ी रोकने का क्या मतलब है? सर, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन आर के जिंदाल और उनकी पत्नी दोनों की जान खतरे में सर। दरअसल इनका पति उन दोनों को मारने के लिए उनके घर पहुंच चुका है। हाँ, हम उन्हें ये जुर्म करने से रोकना चाहते हैं, आप प्लीज हमें उनके घर तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए। ओके। माफ कीजिएगा। यस सर। अभी अभी यहाँ से एक लेडी और आदमी ने फोन किया था, कहाँ गए वो लोग? अभी अभी वो लोग चले गए। हेलो, हाँ जी एक मिनट सुनिए, आपके लिए फोन है। हेलो, मैं जिंदाल बोल रहा हूँ, तेरा दोस्त और तेरी बीवी इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहता है तो मेरी बेटी दिशा को लेकर मेरी ग्रेनाइट फैक्ट्री में आ जा, समझ गए ना? मेरी और मेरी मुलाकात तो वैसे भी होनी है जिंदाल, इंतजार कर, मैं आ रहा हूं। वादे के मुताबिक मैं तेरी बेटी को लेकर आया हूँ जिंदा। दिशा को किडनैप करके तूने सोचा होगा कि बाजी तेरे हाथ लग गई, मगर वक्त ने ऐसी चाल चली कि जीती हुई बाजी तेरे हाथ से निकल गई। मजबूरी भी अजीब चीज है भरो, आदमी को कुत्ता बना देती है। फोन पर शेर की तरह दहाड़ने वाला मेरे सामने चूहा बना खड़ा है। हाथी के पैर जब कीचड़ में फंस जाते हैं ना जिंदा, तो बंदर भी उसकी पीठ पर सवार होकर डांस करने लगता है। मैं तेरी बेटी को छोड़ रहा हूं, तू सोनाली को छोड़ दे। जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, जिसके एक धमाके के साथ ही इसके जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि तू इसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकेगा। जिंदाल का दूसरा नाम काल है। पहले अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर जिंदाल, क्योंकि तेरी बेटी के हाथ में जो गुड़िया है उसके अंदर बॉम है और उसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। लेकिन तुझे यह नहीं मालूम कि भैरव का दूसरा नाम महाकाल है। रुक जाओ, जिंदाल।
विलेन विलेन पार्टी कौन सा चैनल देखेगा? एमटीवी चैनल वी सोनी बीबीसी बम चैनल दबाओ बम चैनल बटन दबा दूंगा कसम से बटन दबा दूंगा मैं बहुत डेंजर आती हूँ मैं तुझ जैसा कायर नहीं हूं जिंदाल कि अपनी बीवी को बचाने के लिए एक बच्चे को मोहरा बना लो उस डॉल में बॉम्ब नहीं है तगड़ा कोई होगा तो भेजो मैंने तगड़ा आदमी मांगा था वो काले काले कद्दू कलिंगर नहीं ये टिक कबाब है इतना गर्म इतना गर्म कौन खाएगा कोई और है मैकेनिक प्लेन का हैजा करनी बाबा तेरे काम की चीजें लेके जा ए भाई राव Ah!
एक औरत के लिए इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है। उसने अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दिया। जो लोग दूसरों की आंखों में आंसू भरते हैं उन्हें खुद भी खून के आंसू रोने पड़ते हैं। यही कुदरत का कानून है। इस मासूम बच्चे की चिंता मत करना, तुम्हारे जेल से वापस आने तक ये मेरी पनाह में रहेगी।